हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं आपका दोस्त प्रमोद कुमार पांडे आज आप लोगों का फिर से स्वागत करता हूँ पे चैनल में। फ्रेंड्स, एक नए वीडियो में नए टॉपिक पे बहुत ही अच्छी जानकारी लेकर आया हूँ, तो देरी न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करेंगे। लेकिन उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, ताकि जब भी नई वीडियो डाले उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। फ्रेंड्स, जैसा कि देख सकते हैं हमारे पास जो कटर है, ये लगभग अगर आप इलेक्ट्रिक का काम करते हैं तो आपके पास होगा ही होगा। अगर आप इसको सही तरीके से चलाना नहीं जानते हैं, और अगर आपके मान लीजिए जो इलेक्ट्रिक नहीं काम करते हैं, जो घर पे काम करते हैं, अगर उनके पास नहीं है, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा आप लोगों को इसको ज़रूर अपने पास रख लेना चाहिए, क्योंकि इसको रखने का बहुत सारा फ़ायदा होता है। अगर आप इसके बारे में अच्छी तरीके से चलाना जान गए इसको, तो आपको घर में इसको रखने से बहुत ही फ़ायदा होने वाला है। तो फ्रेंड, सबसे पहले हम इसको इसका फ़ायदा क्या क्या कहा जानते हैं। जैसे मान लीजिए एक कटर हमारे पास जो है, इसको अगर हम कहीं भी जाते हैं, कोई सफ़र कर रहे हैं, आपको इलेक्ट्रिक का काम कहीं मिला है, अगर आप उस कहीं पर ले जाते हैं, तो अगर आप इस प्रकार से इसको रखते हैं तो ये आपका हो सकता है कि ख़राब भी हो जाए। आपके बैग में, जो बैग में रखते हैं, वहाँ पर भी कटिंग हो सकता है, तो शायद वो आपका नुकसान भी कर सकता है। लेकिन अगर आप इसको कैसे किस प्रकार से रखना है, सबसे पहले हम ये चीज़ जान लेते हैं। फ्रेंड, जब भी हम इसको बैग में रखें, तो यहाँ पे जो आपकी पिन होती है, इस पिन को हमको ऐसे दाब ऐसे करके इसको थोड़ा सा दाब देना है। आप इसको कहीं भी रखिए, कोई भी दिक्कत नहीं, आप कैसा भी रख सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो एक तरीका आपको इसको बैग में रखने का हो गया। दूसरा फ़ायदा फ्रेंड्स क्या है, जैसे मान लीजिए आपको ये कटर है और आपको इसको चलाने का है, तो अगर हम इसको यहाँ से इस प्रकार से अगर इसको छीलने की कोशिश करते हैं, तो ये यहाँ से अच्छे तरीके से छीलेगा, तो लेकिन यहाँ से कुछ वायर जो है इस प्रकार से अगर छीलते हैं, तो यहाँ से थोड़ा सा आपका जितना वायर, जितना मतलब ये पतला होता है, आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत बारीक सा है, तो ये आपका वायर यहाँ से इस प्रकार से कटिंग कर देता है। तो आप यहाँ से भी कटिंग कर सकते हैं, अगर सही तरीका नहीं आ रहा है तो आपको वायर नहीं कटेगा सही से, आपका वायर छिलेगा भी नहीं सही से, यहाँ से भी कटिंग कर सकते हैं। अगर चलाना सही नहीं आता है तो इस प्रकार से आपका ये यहाँ पे ख़राब हो जाएगा। लेकिन अगर आपको इसको सही तरीके से चलाना है, तो सबसे पहले क्या करना होगा, इस पॉइंट को हमको यहाँ से ऐसे ढीला करना होगा, और इसको हमको यहाँ से इतना करके यहाँ पे टाइट कर देना है। अब हम अगर इस वायर को यहाँ से छील लेते हैं, तो ये हमारा वायर अच्छी तरीके से छीलेगा, कटिंग भी नहीं करेगा, मतलब ये वायर हमारा पूरी तरह से कट नहीं मारेगा। तो ये थोड़ा सा अभी ज़्यादा टाइट हो गया है, इसको हम थोड़ा सा कम करेंगे। अब इसको हमें कटिंग करने के लिए फ्रेंड्स बहुत ही आसान तरीके से ये हमारा कटिंग भी हो जाएगा, और कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो देख सकते हैं यहाँ से एक भी वायर हमारा नहीं कटा, जैसे पहले देख सकते हैं यहाँ पे हमारा तार कट गया था, लेकिन हम इस प्रकार से अगर कटिंग करते हैं तो हमारा तार नहीं कट रहा है। तो फ्रेंड्स, इसको आप आसानी तरीके से वायर घर में, जैसे मान लीजिए चलती लाइन है, तो आपको यहाँ पर टच करने की ज़रूरत नहीं, आपके पास अगर प्लास नहीं है तो चलती लाइन में आप यहाँ से इस प्रकार से इसको कटिंग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मान लीजिए हमारा चालू लाइन का कनेक्शन है और हमको कटिंग करना है, तो हम यहाँ से इस प्रकार से पकड़ेंगे और इसको हम कटिंग कर देंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, कोई भी शॉर्ट मारने की या कोई भी एक एक वायर हम इसको कटिंग कर सकते हैं, दूसरे वायर में लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से आप इसको अच्छी तरीके से कटिंग कर सकते हैं। तो ये थी फ्रेंड्स इसको चलाने का सही तरीका और फ़ायदा, इसका क्या क्या फ़ायदा इसमें होते हैं। तो आशा करता हूँ हमारी दी हुई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना मत भूलिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिए, क्योंकि हम ऐसे ही वीडियो आप लोगों के लिए लाते रहेंगे और आपको अच्छी अच्छी जानकारी देते रहेंगे। तो इसी के साथ मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत फ्रेंड्स।